हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ब्रेव सेलर सीरीज़ को इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा व्यूज़ भी बढ़ रहा है। सो उस हिसाब से लग रहा है कि आपने इसको काफ़ी लाइक किया है। बट एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो उसे लाइक्स और देने के अलावा कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में उसको आपके लिए क्लियर कर सकें। सो दोस्तों, आज हम ब्रेव सेलर सीरीज़ का एक और वीडियो आपके पास लेके आए हैं, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि जितना से जितना जानकारी हम आपको दे सकें ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड, उतना हम अपने वीडियो में देना चाहते हैं। फिर भी अगर हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो मैं रवि रंजन, आपका बिग फैक्शन वीडियो चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं रवि रंजन, आपका ब्रेव सेलर सीरीज में एक और एपिसोड के साथ फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम मयंक सर के साथ बैठे हुए हैं, जिनका स्टोर नेम लक्ष्मी इंटरनेशनल है और जिनका कैटेगरी होम एंड किचन है। तो आइए आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, इनके साथ ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये अपने आप को एज एन ऑनलाइन सेलर फ्यूचर में कैसे देखते हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैक्शन से जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सर, सबसे पहले आपका मेरा आपसे यही सवाल है कि आपने सर अपना ऑनलाइन बिजनेस कब स्टार्ट किया और कैसे मोटिवेशन आया या डिसीजन पे कैसे आया कि इसको ऑनलाइन पे करते हैं? सर, एक्चुअली मेरा ब्रदर कर रहा है ऑनलाइन बिजनेस फ्लिपकार्ट पे पहले से। ओके। तो जब वो कर रहा था तो मैंने कहा कि जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। Correct. तो उसको देखते हुए तो हम वहां से मोटिवेटेड हो गए। अच्छा। और उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब धीरे 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 8 months हो गए हमारे को। ओके। होल्ड सेलर तो है ही हम, अब उसमें उससे अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे शायद इस मई में। ओके। तो तो जैसे कि आपने बताया अभी कि आपने अपने ब्रदर को देखा फिर इससे स्टार्ट किया कि नहीं, जब सामने भी हो सकता है तो मैं भी इस बिजनेस में इन कर सकता हूँ, तो इसके पीछे क्या आपके पास एक ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन का एक्सपीरियंस था पहले? आप ऑफलाइन? हाँ जी, ऑफलाइन एक्सपीरियंस 9 years का एक्सपीरियंस है। ओके, बहुत अच्छा सर। तो इसी कैटेगरी में है सर आपके पास? हाँ जी, इसी कैटेगरी। तो मतलब आपके पास प्रोडक्ट्स जो इन एंड आउट हो रहे हैं उसके सबसे बेस्ट प्राइसिंग के पास आपके पास प्रोडक्ट्स रहते होंगे और बेस्ट? हाँ जी, अवेलेबल मैन्युफैक्चरर है ना हम, इसलिए। बहुत अच्छी सर। तो जब आपने ये बिजनेस सर स्टार्ट किया तो जब ऑनलाइन पे आप जाने की कोशिश किए तो किस किस प्लेटफॉर्म पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना? पहले मैंने मीशो पे किया सबसे पहले, उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट पे किया, फिर अमेज़न पे किया। तो मीशो से मेरे को ज्यादा दिक्कत आने लगी क्योंकि मीशो में रिटर्न्स जब आ रहे थे, रिटर्न आने के बाद ना वो SPF क्लेम ना पास नहीं कर रहे। ओ, तो SPF क्लेम पास नहीं कर रहे, अब कस्टमर ले कुछ रहा है, वो भेज कुछ रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो SPF क्लेम में, सॉरी टू ब्रेक यू, SPF क्लेम में वो भी उनका अलग पार्ट है शायद कि वो वीडियो बना के भेजना पड़ता है। नहीं नहीं, वीडियो वगैरह तो बना के हम फ्लिपकार्ट पे को भी तो भेज ही रहे हैं ना, तो वो लोग पैसे दे रहे हैं और वो नहीं दे रहे। जी, तो हमें तो अपना नुकसान बचाना है ना। बिल्कुल, बिकॉज रिटर्न्स पे तो ऐसे ही नुकसान है, और अगर रिटर्न्स और प्रोडक्ट ही कुछ और जा रहा है तो नुकसान दुगना हो जा रहा है। और उसके बाद फिर हमने फिर फ्लिपकार्ट पे जब स्टार्ट किया था, फ्लिपकार्ट पे हमारे को ठीक रिस्पांस मिला और अमेज़न पे भी ठीक नहीं मिला, मतलब मेन हमारे को फ्लिपकार्ट पे ही ठीक लगा। ओके, फ्लिपकार्ट पे ही अभी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। थैंक यू फ्लिपकार्ट। ओके, जैसे कि नेक्स्ट मेरा आपसे यही सवाल है कि जब आपको ऑनलाइन बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो टैक्सेशन एक होता है कि ऑनलाइन टैक्स कैसे पे करना, बिकॉज वो थोड़ा सा ऑफलाइन वाले सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है, और या फिर लिस्टिंग कैसे करना, अपने प्रोडक्ट्स की इमेजिंग, ये सब चीज सॉर्ट आपने कैसे किया? सर, लिस्टिंग तो बिग फैक्शन से करवाई थी जी, तो स्टार्टिंग में हमने करी थी तो बिग फैक्शन से कराई थी, फिर थोड़ा सा आ गया था, थोड़ा सा खुद कर ली, थोड़ी सी मैम से करवा ली। ओके। उसके बाद जो जीएसटी का था वो ब्रदर ही हमारा है उसमें, क्या कहते हैं उसको, मतलब ब्रदर CA है, तो फिर उसी को दे दी थी, बस उसी ने अपने आप कर दी, मतलब जीएसटी रिटर्न वगैरह मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ओके। जैसे कि आप बोले बताएं कि आप मैन्युफैक्चरर हैं होम एंड किचन में, तो जाहिर सी बात है कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी पे था कि आप कैटेगरी कैसे डिसाइड किया, तो सिंस आप मैन्युफैक्चरर हैं, एक ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है, तो आपने उसी बैकग्राउंड को यूज करते हुए आपने कैटेगरी होम एंड किचन डिफाइन किया। बट आगे इस पे है कि होम एंड किचन में आपके पास लाखों की तादाद में अलग अलग इन्वेंट्री हो सकती है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ले जाते हैं,
डिसीजन कैसे बनता है कि इसको लिस्ट किया जाए और इसको सेल किया जाए, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स की कमी नहीं होगी? एक्चुअली मेरे पास, हमारे पास ना इस टाइम 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अगर हम लिस्टिंग वाइज देखे जाए तो हमने सिर्फ 40 प्रोडक्ट्स ही लिस्ट कर रखे हैं जी। क्योंकि हमारे वाले सामान में ना जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि कस्टमर का जब तक सेट नहीं होगा ना, मतलब सामान उसके मिक्सी के ऊपर, जैसे हमारा मिक्सी के जार हम बनाते हैं जी, तो जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक वो चलेगा नहीं। करेक्ट। तो मेन इश्यूज में भी हमारे को थोड़ा बहुत आ जाता है बीच बीच में कि भी रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं या फिर क्या कहते हैं भाई, कस्टमर को लग रहा है कि भाई मैंने, मेरे को छोटा मंगवाना था मैंने बड़ा मंगवा लिया, बड़ा मंगवाना था मैंने छोटा मंगवा लिया, तो इसकी वजह से भी थोड़े से रिटर्न्स आ जाते हैं ज्यादा। लेकिन ये है कि ठीक है, चलो चल रहा है तो चल रहा है। अब हमारा अब आगे बस हम यही अब सोच रहे हैं कि जो हम लिस्टिंग अपनी और इसमें ऐड करें, उसको एक मतलब वीडियो बना के हम इसमें ऐड करें ताकि कस्टमर को उसमें मतलब प्रॉपरली दिख जाए कि हम उसको ये सामान देने वाले हैं। बिल्कुल, मतलब कंपैटिबिलिटी पे कस्टमर का आपको इशू आ रहा, सबसे मेजर वही हो जाता है। अगर कंपैटिबिलिटी को हम थोड़ा सॉल्व कर सके तो शायद रिटर्न्स कम हो जाए और कस्टमर के पास एग्जैक्ट प्रोडक्ट पहुंचे, है ना। तो इस ठीक है। जैसे कि पैकेजिंग भी आपका खुद का ही होता होगा, पैकेजिंग भी उस पर कुछ डिफरेंस नहीं रखा होगा जो आपकी बन के आती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से? सर वही पैकेजिंग है कि ऑनलाइन के कुछ अलग पैकेजिंग आपने डिजाइन किया है? नहीं, पैकेजिंग तो हमारी तो जो बॉक्स वाली कार्टून पैकेजिंग जो होती है फिर फ्लिपकार्ट की टेप लगा के, वो तो वैसे ही हम करते हैं, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। ओके। और वैसे हमारी वो पैकेजिंग यूज होती नहीं, सिर्फ फ्लिपकार्ट में यूज होती है। ओके। और जब आप एज अ न्यू सेलर बने थे तो आपके पास क्या ये क्वेरी आई थी कि प्रोडक्ट्स को अच्छे से पैक करके कैसे भेजना है, वो पैकेजिंग मटेरियल्स को कैसे यूज करना है, वो सब आपने कैसे सीखा? सर वो तो पहले से पता ही था, जब हम इतने सालों से ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं जी, तो हमें पता ही है भी कैसे हमारे पास आते हैं, वैसे ही हम पहले दिन से पैक करके दे रहे, क्योंकि बॉक्सेस तो हमारे पास अवेलेबल होते थे, मतलब हम यूज तो नहीं करते थे, हमारे पास व्हाइट कलर के होते थे जी जी, और ऑनलाइन में लगते हैं ब्राउन कलर के, तो वो हमने फिर ब्राउन कलर के मंगवा लिए, वो टेप लगा दी बस, और उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, दिक्कत नहीं है उसमें। बिकॉज़ इस लाइन में एक बहुत लॉजिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, इतनी प्रोडक्ट्स लॉजिस्टिक्स में आप जा रहे हैं कि हैंडल विद केयर वाला ऑप्शंस तो है नहीं, आप लिख के भी भेजेंगे तब भी शायद नहीं होगा। तो प्रोडक्ट कस्टमर के पास अगर प्रोडक्ट रॉन्ग वे में पहुंचता है या फिर ज्यादा पैकेजिंग खराब हो जाती है तो उसका इंप्रेशन वहीं खराब हो जाता है कि यार ये किस तरह से। हमारी ना ऐसा नहीं है, हमारा मेरे हिसाब से 5,000 ऑर्डर या 6,000 ऑर्डर हमने अब तक शायद प्रोसेस कर दिए हैं, तो 6,000 ऑर्डर में मुझे तो नहीं लगता कि एक या दो ऑर्डर के अलावा कोई ऐसा डैमेज या कोई डिफेक्टेड रिटर्न कस्टमर के पास मतलब आया, मतलब ऐसे डैमेज और उसकी वजह से हमारे पास कोई रिटर्न नहीं आया। पैकेजिंग हमें पता है कि अगर हम उसको एक बार बीच में हमें दिक्कत आ गई थी स्टार्टिंग में, मतलब आफ्टर वन मंथ हमें दिक्कत आई थी, तो हमने उसके अंदर फिर अपनी फॉर्म पैकेजिंग लगानी स्टार्ट कर दी, मतलब नीचे ना जैसे हमने अपना सामान डाला तो नीचे फॉर्म पैकेजिंग लगा दी, तो उसके बाद वो इशू भी खत्म हो गया। फिर हमें फॉर्म पैकेजिंग में दिक्कत आ रही थी कि अगर हम फॉर्म पैकेजिंग रोज उसे फिर काटो और लगाओ, तो हमने उसकी जगह ना बॉक्स ही मोटा करवा दिया, मतलब जैसे जो 3 mm था उसको 7 mm करवा दिया थिकनेस उसकी, उसकी वजह से वो इशू भी खत्म हो गया हमारा। सर एक रिटर्न्स पे एक बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट अब जा रहा है तो कुछ जैसे आप उस पर थोड़ा सा ही पहले बात की, अब वापस भी आ रहा है, तो रिटर्न एक्सपीरियंस आपका कैसे रहता है? कुछ थोड़ा सा बदमाशी भी होती है आपके साथ, मतलब यूज प्रोडक्ट आ गया, पुराना प्रोडक्ट आ गया, डैमेज करके कोई भेज दिया, या फिर ऑल टुगेदर प्रोडक्ट ही चेंज हुआ, या फिर प्रोडक्ट ही नहीं है उसमें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? ऐसा हमारे साथ मेरे हिसाब से 10% चांस होता है। ओके। 90% ऐसा नहीं होता। अच्छा। और दूसरी बात, अगर कस्टमर हमारे को यूज करके भी भेज दे अगर 1%, तो हमारे को उसमें अगर वो हमारा ही प्रोडक्ट है तो हम उसको दोबारा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं, हम तो उसे क्लीन कर देंगे, हम उसे दोबारा रीयूज कर देंगे, या हम अपनी रिटेल मार्केट में उसे सेल कर देंगे थोड़ा कम पैसे करके, तो उसमें हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन यह है कि जो रिटर्न के चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा है, 250 रुपये एक प्रोडक्ट का 250 रुपये लग जाता है जी। अच्छा, मतलब अपना अर्निंग तो 50 रुपये पीस है और रिटर्न 250 रुपये पीस है, उसमें हम थोड़ा सा परेशान है अभी रिटर्न के अंदर। अगर रिटर्न थोड़े से सुधर जाए तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल। तो सर जो प्राइसिंग आपकी होती है उस प्राइसिंग में आप अपना 25% ऑफ द रिटर्न चार्जेस भी आई गेस ऐड कर देना चाहिए, बिकॉज वहां से कहीं ना कहीं आप कंपेंसेट करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये हम लोग 2015 से हैं तो ये प्रैक्टिस तो हम लोग सेलर्स को वहीं से बोलते हैं कि आप अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर कमीशन डालिए, शिपिंग कॉस्ट डालिए, फिक्स प्राइसिंग लगती है वो, प्लस 25% ऑफ द रिटर्न चार्जेस के हिसाब से आप डालिए, सेलिंग प्राइस वैसे ही बनाया जाती है लॉसेस कम करने के लिए। बिकॉज अगर हमारा रिटर्न ज्यादा होना स्टार्ट हो गया तो हम ये तो डेफिनेट पे हो जाएंगे बिना रिपोर्ट खोले हुए कि हम लॉस में बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, बिजनेस हमारा लॉस के प्रति जा रहा है।
तो अगर हम कहीं ना कहीं अपना वो डैमेज भी उसमें क्लेम करके शुरू कर दे, सो आई गेस कि बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल ज्यादा थोड़ा हो सकता है। और डेफिनेटली आप बोले कि जो यूज आ रहा आपके पास उसको आप रीयूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में डाल के, तो एक एडेड एडवांटेज है। बट आई गेस कि ये प्राइसिंग पार्ट भी सर डेफिनेटली एक स्मॉल इनपुट है हमारे साइड से कि इस पे भी सोचिए, ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं हो जाए, बट आई गेस कि रिटर्न चार्जेस का कुछ हिस्सा हमें अपने सेलिंग प्राइस में ऐड कर देना चाहिए। बिकॉज ये प्रैक्टिस हम लोग जब से 2015 से बिजनेस स्टार्ट किए सर तभी अपने सेलर्स को बोलते हैं। बिकॉज अगर हम रिटर्न चार्जेस नहीं ऐड करेंगे तो हम जब रिकंसिलिएशन पे जाते हैं हमें लॉसेस क्लियर दिख जाता है शीट पे, तो इसलिए हम लोग ने बताया। क्योंकि मान लीजिए कि 100 प्रोडक्ट आपने बेचा सर, 20% आपका रिटर्न हुआ, मतलब 20 प्रोडक्ट रिटर्न हुआ, 80 प्रोडक्ट आपका वापस चला गया। अगर हम रिटर्न चार्जेस नहीं ऐड करेंगे तो जो 80 प्रोडक्ट से हम जो मार्जिन बना रहे हैं वो 20 प्रोडक्ट का रिटर्न की वजह से वो सारा जीरो हो जाएगा। अगर हम रिटर्न मार्जिन ऐड कर देंगे तो हमारा जो 80 प्रोडक्ट जो बिका है, 80% जो प्रोडक्ट बिका है वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। तो इसलिए बोला कि सर रिटर्न चार्जेस भी हमें ऐड करना चाहिए, जैसे हर बिजनेस में एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा ही है सर, कि हम कस्टमर को ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं बट हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि बिजनेस लॉस में नहीं हो। और ये कॉमन प्रैक्टिस है सर अमंग द सेलर्स, जो भी पुराने सेलर्स है वो ऐसा करते हैं, जस्ट ये मेक श्योर करने के लिए बिजनेस उनकी लॉस में नहीं जाए, तभी वो अच्छे सेलर्स हैं। बल्फिस जैसे कोई ब्रांड सेलर आप देखिएगा, बहुत पुराने खिलाड़ी है ह्यूमन किचन में, डिस्वा है बहुत पुराने ह्यूमन किचन के, वो सब आपके गुजरात में है। बट उनसे जब हम लोग बात किए थे उन्होंने बताया था कि यार 20% 25% हम नहीं लेंगे तो धंधा कैसे करेंगे। सो उस वजह से हमें और क्लैरिटी आई कि इतना बड़ा ह्यूमन किचन बिजनेस को करने के लिए ये चीज जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो इस चीज को जरूर सोचिएगा सर। मेरा अगला सवाल आपसे एक है कि वेबसाइट के बारे में क्या सोचे हैं सर, मतलब कि आप मैन्युफैक्चरिंग है और आप ऑनलाइन में भी अब आ गए हैं, तो आपको नीड लगती है कि वेबसाइट भी एक होनी चाहिए ताकि एक ऑनलाइन प्रेजेंस अपना भी हो, किसी को भी अपना ब्रांड नेम और वैल्यू बताएं तो उसको मेरा वेबसाइट भी दिखे और वहां पे वेंडर कॉन्सेप्ट भी ऐड करके हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में तो सर आपका कुछ थॉट प्रोसेस अभी बना है क्या? सर वेबसाइट में ना मुझे लगता है कि जैसे अगर हम मतलब वेबसाइट में पैसे खर्च करना तो बहुत आसान है कि मैंने पैसे खर्च करे, मैंने 50,000 रुपए दिए, मैंने 20,000 रुपए दिए, जैसे प्रोडक्ट की हमारे पास सारी फोटो है, सारी मतलब हमारे पास जो लिस्टिंग है वो लिस्टिंग हमने सेम कॉपी पेस्ट कर दी उधर, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद फिर उसको बूस्ट करना हर महीने, उसके बाद फिर उसके अंदर हमें अपने पैसे लगाने हैं, भाई फेसबुक एड्स करवाओ या फिर कुछ और ऐसी एड्स करवाओ कि उसमें भी 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महीना हम खर्च करें। तो अगर हम महीने के 50,000 रुपये खर्च कर दें उसके बाद हमारे को 2 साल बाद हमें उसका ग्रोथ दिखे तो मुझे लगता है कि उसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा। इसकी बजाय तो अमेज़न अपनी इतनी ऐड कर रहा है, क्योंकि आजकल किसी को भी कुछ भी चाहिए ना वो टेढ़ी मेढ़ी वेबसाइट नहीं देखता, वो फ्लिपकार्ट देखेगा या अमेज़न देखेगा, तो 1% जैसे पहले स्नैपडील देखता था तो 1% लोग मेरे हिसाब से स्नैपडील देखते, नहीं तो 99% लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न, इसके अलावा तो कोई और मार्केट प्लेस सर्च भी नहीं करते। अब जियो मार्ट भी आ गया, लेकिन जियो मार्ट में मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी वो मतलब लोगों के दिमाग से फ्लिपकार्ट और अमेज़न को हटा पाएगा। जियो मार्ट में अभी तो जो जियो सिनेमा में जो IPL चल रहा है उसमें एड्स में तो आजियो और जियो मार्ट ही दिखाते हैं, खैर टेलीविजन पे मतलब, चल रहा है मतलब जैसे कस्टमर मतलब जैसे आप जैसे आपने कुछ खरीदना है, जैसे आपने एक्सेलेट कुछ भी कपड़े खरीदने हैं तो आपके दिमाग में ये है कि हाँ वुमेन्स वेयर लेना है तो मिंत्रा से ले लो, मेन्स वेयर लेना है तो फ्लिपकार्ट से ले लो, मतलब मिंत्रा के लेना लेडीज ज्यादा मिंत्रा यूज करती हैं, अगर हम कंपेयर करें मेन्स के अकॉर्डिंग तो मिंत्रा वो ज्यादा यूज करती है और मेन्स ज्यादा फ्लिपकार्ट यूज करते हैं कपड़ों के लिए। अगर कुछ हमें वैसा सामान लेना है फोन वगैरह एसेसरीज, वो लोग अमेज़न पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग उसकी मतलब कंसीडर करते हैं कि हाँ हमें ये लेना चाहिए, हाँ हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी वेबसाइट बना के और उसमें इतने लाखों रुपए लगा के उसे बूस्ट करवा के, या तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो मार्केट में बिल्कुल रेयर हो। करेक्ट, जैसे हमारे को भी एक अभी मेरे को 4-5 दिन पहले कोई सेलर मिले थे फ्लिपकार्ट के, तो वो ना उसे फैन वगैरह बेचते हैं फ्लिपकार्ट में जो हमारे कंप्यूटर्स में लगते हैं ना या CPUs में लगते हैं, छोटे छोटे फैन होते हैं DC फैंस कहते हैं शायद उसको, तो वो सेल करते हैं। अब वो उनका डायरेक्ट आ रहा है वहां से चाइना से इम्पोर्ट, वो ना इम्पोर्टर है हमारे इंडिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर वही। अच्छा। अब वो एक फैन आ रहा है उनका 1,000 रुपीज का और वो सेल करे 7,000 रुपीज का, और जो फैन उनका वो सेल करे 500 रुपीज का वो आ रहा है 30 रुपीज का,
तो वो उनसे हम कहाँ बीट कर सकते हैं, उनके मार्जिन को हम कहाँ बीट कर सकते हैं, लेकिन वो इस टाइम टॉप पे हैं फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी। बिल्कुल, तो ये तो ये है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसी चीज हो जो मार्केट नहीं है, या फिर हम रेयर हम सामान बेच रहे हैं, वेबसाइट बना आ भी जाएंगे, फुटफॉल भी अच्छा हो जाएगा लोगों का, लेकिन अभी मुझे इस इनिशियल स्टेज में मुझे वेबसाइट बनानी चाहिए। ओके सर, जैसे आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो क्या आप ऑनलाइन वेंडर्स जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट या मीशो पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा, ओके। और सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, अगर हम हमारा फिर कंपटीशन आपस में बढ़ जाएगा, कोई फायदा है नहीं उसमें। करेक्ट करेक्ट, तो उनको भी लग जाएगा कि आप भी ऑनलाइन बिजनेस में हैं, तो उनको पता है कि भाई ऑनलाइन बिजनेस में है तो ये मेरे से सस्ता ही प्रोडक्ट सेल करेंगे, या सेलिंग प्राइस तो मेरे से सस्ता होगा, तो शायद वहाँ बिजनेस खराब हो सकता है। बिल्कुल, आखिरी सवाल सर, आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप ऑनलाइन इंडस्ट्री को सर कैसे देखते हैं? आप ऑफलाइन में पूरा स्केल कर चुके हैं, पूरा एक्सपीरियंस है आपको, और बट ऑनलाइन में आप नया नया स्टार्ट किए हैं, तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हैं ऑफलाइन एक्सपीरियंस के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से? सर अगर मैं फैक्ट बताऊं तो मेरे को तो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑफलाइन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम उसमें मतलब पूरा टाइम उसमें हम डिपेंडेंट है, उसमें हम बिजी है पूरा टाइम जी, और अगर हम दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो हम ना हम इधर के कुछ मतलब ना हम इधर के होते हैं ना हम उधर के होते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई हमारे पास दो रॉन्ग प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, रिटर्न में, अब उसकी फोटो खींचना, उसकी वीडियो बनाना, उसके बाद फिर उसको डालना, फिर उसका फॉलो अप लेना, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है, और उसके लिए फिर मेल रेज, टिकट रेज करो, मेल भेजो, या मैडम को बोलो, या एक्सेलरेट कुछ भी आप करो, तो मुझे लगता है कि मतलब इननेसेसरी, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ उसके अंदर। या फिर हमने उसके लिए अलग से भाई मैडम को जैसे मतलब आया है हमारे पास, लेकिन उसके अलावा भी मुझे तो देखना ही पड़ता है ना कि क्या गलत आया क्या गलत नहीं आया। तो आई अंडरस्टैंड कि आपने बहुत समय निकाला, सो थैंक यू उसके लिए, एंड डेफिनेटली सर थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, आपका इनपुट डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। जैसे हमारा जो रिटर्न है, मतलब जैसे हम ये चाहते हैं कस्टमर हमारे को जो रिटर्न कर रहे हैं, वो एक्सचेंज पहले वो एक्सचेंज हो रहा है और फिर वो रिटर्न हो जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो एक्सचेंज ना हो, सीधा रिटर्न हो हमारे पास। क्योंकि क्या हो रहा है कि उसके अंदर हमारे को जैसे हमने ड्यूअल लॉजिस्टिक्स चार्जेस लग रहे हैं। हाँ, ड्यूअल लॉजिस्टिक्स चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि जब उसका पहली बार में वो सामान फिट नहीं हुआ तो वो दूसरी बार में भी नहीं होगा, क्योंकि जब वो कस्टमर वो डालेगा भाई आप क्यों चेंज करना चाहते हो, तो कहेगा जी रिसीव डिफरेंट प्रोडक्ट, या फिर रिसीव स्मॉल या लार्ज हो गया, ये ऑप्शन कुछ भी एक्सेलरेट, तब उसको पहले वो एक्सचेंज करेगा फिर वो रिटर्न करेगा। तो वो 200 रुपए की चीज है, 200 रुपए की चीज के अंदर वो 500 रुपए तो चार्ज लग जाता है हमारा जी जी जी, तो उसकी वजह से हम उसको जो है ना वो लॉस में जा रहे हैं हम। ओके ठीक है सर, इस पे मैं आपका इनपुट लेता हूँ और आई विल गेट बैक टू यू सर। हम ये देख लेते हैं कि आप इस कैटेगरी में ऑप्शन है भी कि नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी कैटेगरी मैंडेटरी होता है कि नो रिटर्न्स, किसी में मैंडेटरी होता है कि नहीं रिप्लेसमेंट जाएगा, अगर इस हमारे इस कैटेगरी में नहीं है तो हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं सर। ठीक है, मतलब ये ना कि अगर हमारे को अगर 1% हमारे को ये एक्सचेंज वाला जो ऑप्शन है ना वो खत्म हो जाए तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिलहाल हम जो है ना नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन हम नो प्रॉफिट नो लॉस में इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरर ना होते तो हम बिल्कुल भी नहीं होते, हम लॉस में स्टार्ट हो जाता बिजनेस। बिल्कुल नहीं सर, 100% लॉस में होते हैं। डेफिनेटली आपको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा, मैं मेक श्योर करता हूं कि ये मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड करके इसको नेक्स्ट वीक तक रिजॉल्व कर दूं सर। तो थैंक यू सर जुड़ने के लिए, और ये आपका कंसर्न मैं सॉल्व कर दूंगा, आपका टाइम भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों आप ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड्स और सेलर्स को शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी एक मनोबल बढ़ सके ऑनलाइन बिजनेस में आने के लिए। अगर आपको सिर्फ अमेजोन या फ्लिपकार्ट या और भी किसी पोर्टल से रिलेटेड क्वेरीज हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उस पोर्टल्स के भी सेलर्स से जरूर कोशिश करेंगे, हम इंटरव्यू करें और आपके पास लेकर आएँ।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बिग फैक्शन का आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।